आपके पड़ोस में मोटरसाइकिल से चलता है, कार से चलता है, आप साइकिल से जाते हैं, वो भी सही से टायर नहीं डलवा पाते। सही बात है, बताओ, फीस नहीं दे पाते आप प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं, और बगल के हमारे पड़ोसी के बच्चे जो है डीपीएस में जाते हैं, तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो क्या बनेगा? जो बनेगा वो बनेगा, लेकिन डीपीएस वाला ऑफिसर जरूर बनेगा। और मैंने अभी अखबारों पढ़ा है, डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी तुमने पढ़ी होगी, अब्दुल कलाम की कहानी पढ़ी होगी, गरीब भर के लोग थे। अभी भी अखबार में मैं पढ़ता हूं, मंच पर बैठे ये लोग भी, हम लोग भी गरीबी घर के थे, कि रिक्शा वाले के बेटे ने आईएएस में 10वां स्थान प्राप्त किया, रिक्शा वाले ड्राइवर के बेटे ने पीसीएस पास किया, फल बेचने वाले के बेटे ने आईपीएस बन गया, कप्तान बन गया। तो पढ़ते हो नहीं पढ़ते अखबार? पढ़ते, खबर मिलती कभी कभी मिलती। आपसे आज के अवसर पर आपके सबके चरणों में विनती कर रहा हूं कि हमारा कल कैसे ठीक हो, हमारे आने वाले बच्चों को हमें कैसे, वो बच्चे हमारे इस हॉल में कभी 1.25 लाख रुपया लेकर इस हॉल में नहीं आए। आने दोगे बच्चों को? बताओ, आने दोगे? नहीं आने दे, वहां था जो नहीं आने देंगे बच्चे। जीवन को परिवर्तित करने के लिए, जीवन को बदलाव के लिए हम नहीं चाहते हैं कि आपके आने वाले 3 बच्चे 2 बच्चे पैदा हो, और जो आपके सरकारी रुपए से जो आपका एक कमरा बना है उसमें 3 बहू में कैसे रहेंगी, कैसे उसमें बच्चे रहेंगे? कि आप उनसे भी कहोगे कि फिर से प्रधानमंत्री की योजना आएगी और फिर तुम्हें एक मकान मिलेगा तब तुम रहना, उसके भरोसे छोड़ दोगे क्या तुम? बताओ, छोड़ोगे क्या? छोड़ना चाहिए घरों तो भाई, चाय पी लेना, लेकिन बताओ छोड़ोगे क्या? इसलिए कसम खा के जाओ, यहां ये कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है कि आपको सरकार ने पैसा दे दिया और आपने मकान बनवा लिया। हमारा मकान हमारी मेहनत से, हमारे पसीने से क्यों नहीं बना? आज सरकार ने दे भी दिया एक कमरा, लेकिन आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए एक कमरा नहीं, 4-4 कमरे अपने मेहनत से बना करके खड़ा करेंगे। ये बात की आप सबके मन में ये संकल्प होना चाहिए, ये मन में जिद होनी चाहिए। इस कल के लिए आपको अभी से चिंता करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। निठल्ले नहीं बनो, कर्मयोगी बनो। कर्म में कोई शर्म नहीं है। कर्म में कोई शर्म है बताओ भाई? अच्छे कर्म में कोई शर्म है? अपने काम में कोई शर्म है? क्यों नहीं करते है?